हेलो फ्रेंड्स, के रेसिपी एंड डिशेज में आपका स्वागत है। तो आज हमने यहाँ पे एक कुछ पालक ली है, बंच ऑफ पालक है, जिसे अच्छे से हमने पानी से धुल लिया था, दो तीन पानी से। और ये हमने चना दाल ली है। तो आज हम बनाएंगे चना दाल पालक डाल के, यानी कि पालक वाली चना दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चना दाल को पहले हम पानी से अच्छे से दो तीन पानी से धुल के उसे भिगो के रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम भरपूर है तो दो तीन घंटे के लिए सोक करने रख दीजिए। अगर टाइम की कमी है और आपको बनाना है तो उसके लिए आपको फिर सीटी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तुरंत भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए भिगोते हैं इसको। चना दाल को हमने धो के भिगो दिया था और ये 40 मिनट्स हो गए हैं लगभग। तो इस तरह से फूल गई है ये। इसको प्रेशर कुक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुकर लिया है, दाल को कुकर में पलट देते हैं। इस पानी में भिगोया था वो पानी भी इसी में डाल देते हैं। जितनी हमने दाल ली थी उसके डेढ़ गुना इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। इसी बॉल से हमने एक बॉल दाल ली थी और इसी से पानी ऐड कर दिया है। अगर आपने दाल कम टाइम के लिए भिगोई है तो आप दो कटोरी पानी ऐड कर सकते हैं, कटोरी, कप, गिलास, जिसका भी मेजरमेंट आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा देर दाल फूल गई है अच्छे से तो आप इससे डेढ़ 1.5 नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप स्वादानुसार, यहाँ हमने एक चम्मच से थोड़ा कम डाला है और कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता और ये बड़ी काली इलायची, दो लौंग और 3-4 काली मिर्च। और ये हल्दी 1 छोटा चम्मच। गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं और 5 से 6 सीटी आने तक इसे कुक होने देते हैं। तब तक हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब तक दाल हो रही है तब तक पालक को छोटा छोटा काट लेते हैं। पालक हमने काट ली है और दाल भी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है। 6 सीटी हो गई हैं। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं, इनको कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। ये ऊपर का पार्ट हमने हटा दिया है इस तरह से और ये बड़ी साइड से कद्दूकस कर लेते हैं इस तरह से। और बाकी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को भी काट के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी तैयारी कर ली है। टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया था और ये प्याज को भी काट लिया है। लहसुन की 10-12 कलियाँ वो भी चॉप कर ली हैं और इसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है अदरक को। और जो हरी मिर्च है एक ही थी, काफ़ी बड़ी थी, तो आधा हमने इसको छोटा छोटा काट लिया है, आधा इसमें लंबे पीसेस में काट लिया है। देखते हैं, दाल को चेक करते हैं हुई है कि नहीं। दाल कुक हो गई है अच्छे से, देखिए मैश हो जा रही है बिल्कुल।
तो ज़्यादा नहीं चलाना है हमको, नहीं तो बिल्कुल मैश हो जाएगी, पेस्ट बन जाएगा। तो दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब घी लगाते हैं, घी डाल देते हैं। आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो या ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। घी मेल्ट हो गया है, इसमें जीरा डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच और ये दालचीनी का टुकड़ा है। कटा हुआ लहसुन भी डाल दिया है, लहसुन को हल्का भून लेते हैं तो इसका फ्लेवर पहले आ जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, ये 1 बड़ा प्याज था वो काट लिया था हमने। और हल्का ब्राउन होने तक प्याज को भूनते हैं, प्याज साइड से करके 3 चौथाई हींग डाल देते हैं। हींग हम बाद में तड़के में भी डालेंगे, इसलिए थोड़ी सी डालिए। और इसी टाइम हम इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं और ये 2 पीस उसके बचा के रखेंगे और जो लंबे में काट के रखी थी वो भी डाल देते हैं। और ये अदरक ये कद्दूकस की थी वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। अच्छे से चला देते हैं। प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, दो चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छे से चलाते हुए मिला देना है। अब जो टमाटर हमने ग्रेट करके रखा था उसको भी इसी में ऐड कर देते हैं और मसालों को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे कुछ तेज पत्ता लिए थे, इन्हें हम सुखा के रख लेते हैं, स्टोर करके क्रश करके डाल दिए हैं। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें स्किप भी कर सकते हैं, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम अधिकतर रेसिपीज में ऐड करते हैं। मसाला हमारा अच्छे से हो गया है, घी रिलीज होने लगा है, उसको बबल्स निकल रहे हैं। अब इसी टाइम हमने जो पालक को काट के रखा था उसको ऐड कर देते हैं। इसको मिला के अच्छे से और नमक डालने के बाद 5 मिनट ढक के पकाना है। नमक यहाँ थोड़ा सा डालेंगे, 1 छोटा आधा चम्मच से भी कम, क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, पालक अच्छे से पक गई है। अब इसी में हम ये दाल ऐड कर देते हैं। गैस के फ्लेम को हाई कर लिया है, इसको भी 5 मिनट हम ढक के पकाते हैं।
जिससे कि दोनों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं, तो लीजिए तैयार है एकदम परफेक्ट पालक चना दाल। इसको हम दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर कर देते हैं। और एक तड़का पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाला है और इसमें हम ये 2 खड़ी लाल मिर्च, 1 लहसुन की कली को काट लिया था वो ऐड कर देते हैं, और 2 ये हरी मिर्च के पीस जो लंबे साइज में काटे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। हींग ऐड कर देते हैं। तड़का हमारा तैयार है, अभी इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी पालक चना दाल। अब हमने जो तड़का बनाया था वो भी इसी में ऐड कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल में और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए पालक चना दाल। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनती है। और आज आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू। बाय बाय।